बड़ी खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर ग्रामीण से भाजपा की भारत सिंह कुशवाहा चुनाव हार गए हैं। सिंधिया के गढ़ में ये दूसरा झटका है। ग्वालियर शहर में ही आती है ग्रामीण सीट भी, अब तो लगभग शहर का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, यहाँ से कांग्रेस के साहब सिंह गुर्जर जीत गए हैं। साहब सिंह गुर्जर बहुत लंबे अरसे से अपने इलाके में मेहनत कर रहे थे और उनकी जीत की संभावनाएं प्रबल थी। भारत सिंह कुशवाहा को भी कम करके नहीं आंका जा रहा था और ये मान के चला जा रहा था भाजपा के भीतर कि साहब सिंह कुशवाहा बहुत, साहब सिंह गुर्जर को भारत सिंह कुशवाहा बहुत आसानी से हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साहब सिंह गुर्जर जो है वो अपनी रॉ में थे और पूरी शक्ति के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और भारत सिंह कुशवाहा को धूल चटा दी। भारत सिंह कुशवाहा का हारना ग्वालियर में बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि लश्करपुर सीट पे सिंधिया परिवार से जुड़ी हुई माधोराव सिंधिया की मामी माया सिंह, जो शिवराज सरकार में मंत्री भी रही हैं, वो भी चुनाव हार गई हैं। उसके बाद भारत सिंह कुशवाहा वहां से चुनाव हारे, तो बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है ग्वालियर में। और साहब सिंह गुर्जर ने जो जीत हासिल की है वो उन्होंने अपनी मेहनत और मशक्कत से की है। अदीब, क्या लगता है कि इससे कहीं ग्वालियर की राजनीति प्रभावित होगी? अभी बिल्कुल बहुत बड़ा झटका, ये सिर्फ हार नहीं है भरत सिंह कुशवाहा की यार, बल्कि सिंधिया को एक करारा झटका भी लगा है कि उनके ही अपने गढ़ में भरत सिंह कुशवाहा की हार हो जाती है और साहब सिंह गुर्जर जीत जाते हैं, जबकि भरत सिंह कुशवाहा ने पूरे देखा जाए तो प्रचार प्रसार के लिए पूरा जी जान लगा दिया था, पूरी कोशिश की थी, उसके बाद भी परिणाम सामने है, साहब सिंह गुर्जर ने जीत हासिल कर ली है। मुझे कई बार लगता है कि जब चुनाव होता है तो पार्टी को भी, जब कैंडिडेट की बात आती है प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी को देखा जाता है, पार्टी को साइडलाइन कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ है। साहब सिंह गुर्जर, अभी मैं ग्वालियर गया था तो वहां चर्चा थी कि वो शत प्रतिशत चुनाव जीत जाएंगे, भरोसा मुझे भी नहीं था, लेकिन पढ़ा भाई तो लगा कि लोग जो कह रहे थे वो सत्य था। वो आप देखें कि साहब सिंह गुर्जर को जो है 79,841 वोट मिले हैं, जबकि भरत सिंह कुशवाहा को 76,559 वोट मिले हैं। तो इससे जाहिर है जो मार्जिन वो भी ठीक ठाक सा है और साहब सिंह गुर्जर की जो मेहनत है वो रंग लाई है, लेकिन इस जीत हार से ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति पर व्यापक असर पड़ेगा और वो असर क्या होगा इस पर भी हम चर्चा का दौर जारी रखेंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।